मैं शुक्रगुजार हूँ इस तारुफ का और इस अपॉर्चुनिटी का कि मुझे यूनिवर्सिटी आने का मौका मिला बल्कि मुल्तान में बहुत तवील अरसे के बाद आ रहा हूँ तो यहाँ मैंने इंथ्यूज़िज़म देखा स्टूडेंट्स का फैकल्टी का और आपका भी शुक्रिया कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं जिसमें हम कुछ ऐसी बातों पे गुफ्तु करेंगे जिस सिलसिले का पिछले हफ़्ते आगाज़ किया गया था कि पिछले हफ़्ते एक कोर्स या कहना चाहिए एकेडमिक प्रोग्राम की लॉन्चिंग थी और ये उसी सिलसिले की आप ये कह सकते हैं कि एक पहली कड़ी या इब्तदा है जिसका हम आगाज़ जो है वो कर रहे हैं कि बैठ जाएं स्टूडेंट उसके बाद फिर हम मैं गुफ्तगु का आगाज़ जो है वो करूंगा। बुनियादी जो चीज़ जो इस एकेडमिक प्रोग्राम में है जो आज मैं भी गुफ्तू करूंगा और बाद में और भी इस पे गुफ्तु होगी वो ये है कि पाकिस्तान के तशस आइडेंटिटी पाकिस्तान के तहजीब और तमदन, पाकिस्तान का आप ये कह सकते हैं कल्चर सिविलाइजेशनल हेरिटेज और हेरिटेज जो है हिस्टोरिकल हेरिटेज जो है उसको हम किस तरह एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में एक वसी तनाजर में समझें ताकि हमें अपनी शनाख्त को समझने में सहूलत पैदा हो बेहतरी आए ये है बुनियादी मकसद इसका और उसके अलावा ये भी एक अहम नुक्ता है कि जब हम कल्चर की बात करते हैं सिविलाइजेशन की बात करते हैं तहजीब व तमद्दुन की बात करते हैं तो हम माजी की बात करते हैं बहुत पुराना माजी तक हम चले जाते हैं तो सवाल जो एक बुनियादी तौर पर आज 2017 में पैदा होता है जो लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं 2017 के अंदर सवाल ये है कि हमें माजी को क्यों पढ़ना चाहिए क्या हमारा रिश्ता है क्या हमारा ताल्लुक है हमें तो आज के जो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स हैं वही जान नहीं छोड़ती तो हम माजी का क्या मुताल करना चाहते हैं? ये भी एक इशू है जिस पर मैं आपसे बात करूँगा और इस बात का कि जो हेरीटेज है कल्चरल हेरीटेज या सिविलाइजेशन या तहजीब तमदन जो पाकिस्तान का है या वो इलाके जो पाकिस्तान हैं उनका है वो काफ़ी कहना चाहिए रिच है काफ़ी उसमें आ, जो है वसत जो है वो पाई जाती है और वो वसत क्या है और जब हम कहते हैं कि तहजीब व तमद्दुन तो हम हम उसमें किन चीज़ों को देखना चाहते हैं क्या चीज़ें हैं जिनको हम तहज़ीब व तमद्दुन के हवाले से पहचानते हैं तो मैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करूंगा लेकिन उनकी डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि एक तो टाइम नहीं होता वैसे आपको ज़रूरत भी नहीं है लेकिन मकसद ये है कि अगर आप में आपको इन चीज़ों में दिलचस्पी हो जाएगी तो आप ख़ुद ही इसका मुताल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि तफसील कितनी लंबी चौड़ी है और आखिर में फिर हम एक सवाल जवाब का सेशन भी करेंगे जिसमें आप सवाल करें और उसको हम डील करने की कोशिश करेंगे इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे आज के जोग्राफ़ी या सरजमीन की अहमियत क्या होती है जो, जो जोग्राफिया है किसी मुल्क का जो सरज़मीन है किसी मुल्क की उसकी अहमियत क्या है सरजमीन या जोग्राफिक सिचुएशन जो होती है जो जो जोग्राफिक लोकेशन जो होती है वो किसी मुल्क के लिए स्ट्रेंथ भी होती है और किसी मुल्क के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है पाकिस्तान में हम ये दोनों चीज़ें देखते हैं जोग्राफ़ी पाकिस्तान को फेवर भी करती है पाकिस्तान को एक एडवांटेज भी देती है लेकिन इसके साथ साथ कुछ मसाइल भी हैं जो हमारे लिए पैदा हो जाते हैं तो उनका भी तस्करा करते हैं देखिए जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं पाकिस्तान तो एक आज़ाद खुद मुख्तार ख़ुदमुख्तारमलिकत की हैसियत से पाकिस्तान की उम्र सत्तर साल है अगस्त 1947 में एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट के तौर पे पाकिस्तान महारज वजूद में आता है और आज हम 2017 में ये बात कर रहे हैं तो एक ममलिकत की हैसियत से एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान को बाज दफ़ा नया मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि कौमों की ज़िंदगी में सत्तर साल एक छोटा सा अरसा होता है कौमें हज़ारों साल ज़िंदा रहती हैं इसीलिए ये कहा जाता है कि ये नए ममालिक हैं खासकर वो मुमालिक जो दूसरी जंग अज़ीम नाइनटीन फोटी फ़ाइव के बाद इंडिपेंडेंट हुए उनको डिवेलपिंग कंट्री या न्यू कंट्रीज़ के तौर पर कहा जाता है लेकिन अगर आप इसी पाकिस्तान को कल्चर के हवाले से देखें सिविलाइजेशन के हवाले से देखें तहजीब व तमदन के हवाले से देखें तो इस सरज़मीन का जो हेरिटेज है हिस्टोरिकल हेरिटेज है इस ज़मीन की जो तहज़ीब व तमदन है वो हज़ारों सालों तक फैली हुई हमें नज़र आती है वो एक बहुत ही आप पीछे तक जाके जहाँ तक रिसर्च हुई है अब तक हम वही बात करेंगे जहाँ तक रिसर्च हो चुकी है उसके हवाले से पाकिस्तान को एक नया मुल्क तो कहा जाता है लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को एक कदीम सिविलाइजेशन कदीम कल्चरल हेरिटेज जो है वो भी तसुर किया जाता है तो इस तरह हम नए और पुराना का इमतज़ाज क्रिएट करते हैं जब हम पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद ममलकत है पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेज है जिस स्टेट uh, है जिसके पास आइन है जिसके पास एक जमहूरी अमल चलता है और एक तरीक़ाकार है तो लेकिन ये पुराना भी है और इसकी स्टडी के लिए हम जितना पीछे जा सकते हैं हम मुताल करते हैं इसमें मसला जो मजामी ऐसे हैं जिस तरह एंथ्रोपोलॉजी है जो ज़ाहिर आपका फील्ड नहीं है एंथ्रोपोलॉजी है आर्कियोलॉजी है हिस्ट्री है सोशियोलॉजी है ये वो शोबे हैं जहाँ इस पर रिसर्च होती है कि भाई कितना पुराना मुल्क है कितनी पुरानी सरज़मीन है कितने पुराने लोग हैं जो है वो इस पर रिसर्च जो है वो की जाती है अगर देखा जाए पूरा मुल्क तो एक बहुत बड़ी एंटिटी है पाकिस्तान सरजमीन के हिसाब से बहुत बड़ा मुल्क है अगर आप किसी रीजन को भी उठा लें तो उसके अंदर भी आपको एक तारीख़ का एक तवील सिलसिला नज़र आता है आपको एक तहज़ीब व तमदन के हवाले से हर इलाके की कुछ ना कुछ खसूसियात होती हैं ये कहा जाता है कि ये फला इलाका है इसकी ये खसूसियत है इसकी ये अहमियत है इसकी वजह शहरत ये फैक्टर्स हैं जैसे आप मुल्तान रीजन पूरे रीजन को आप ले लें तो इसकी भी एक पुरानी आपको तारीख़ मिल जाती है और इसको भी डिफ़ाइन करने के जो हैं तरीक़े हैं जिसमें कल्चरल डाइवर्सिफ़िकेशन हमें नजर आएगी सिर्फ हम मुल्तान के इलाके की बात करते हैं उसके अलावा शराइन्स यहाँ के कल्चर और तहजीब का तमद्दन का एक हिस्सा हैं बहुत से बुज़ुर्गों के यहाँ पे पर हैं जिन पे उर्स भी होते हैं ये सब आपके कल्चर का हिस्सा हैं इस इलाके के कल्चर का जो है वो हिस्सा होते हैं मुख्तलिफ किस्म के फेस्टिवल्स हैं तरीकार हैं ये हर इलाके की अपनी खसूसियत होती है और जब हम सारे इलाकों की खसूसियात को कल्चर को ट्रेडिशन को तरीक़ाकार को हम इकट्ठा करते हैं तब जाके फिर पूरे पाकिस्तान का कल्चर या पूरे पाकिस्तान की हेरिटेज जो है वो बन जाती है तो जहाँ हमें एक चीज़ हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान की हेरिटेज में पाकिस्तान की शनाख्त में जहाँ एक तवील हिस्टोरिकल अमल है हिस्टोरिकल प्रोसेस है जो हमें पीछे तक ले जाता है जिसका मैं अभी तस्करा करूंगा वहाँ हमें डाइवर्सिटी भी नज़र आती है तनोह भी नज़र आता है कि हर इलाके में एक ख़ास खसूसियत होती है मसलन आगे चल के जिस तरह मैं ज़ोग्राफी की बात करूँगा कि किस तरह जो ज़मीन की खसूसियत है वो इंसानी हैबिट्स को इंसानी शूर को इंसानी सोच को मुतासर करती है तो वो फिर ये होता है कि ये एग्रीकल्चर इलाका है मुल्तान ज़्यादातर एग्रीकल्चर इलाका है एग्रीकल्चर इलाका है वहाँ लोगों की ओरिएंटेशन एक अंदाज़ में होती है क्योंकि वहाँ ज़रूरियात एक किस्म की होती हैं एक इलाका है जो हाईली इंडस्ट्रलाइज़ है मगरब के ममालिकले जाएँ बहुत से ममालिकसे हैं या बहुत उन ममालिक बहुत से इलाके हैं जो हाइली इंडस्ट्रलाइज़ हैं सनत हिरफत के हिसाब से बहुत आगे हैं तो लोगों की ज़िंदगी पे लोगों की सोच पे वो जब हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी होगी वो असंदाज होगी बहुत सी चीज़ें जो आप देखते हैं सुनते हैं समझते हैं वो ये पस मंज़र जो है वो आपको इन्फ्लुंस करता है तो यही चीज़ हम जो है पाकिस्तान के हवाले से हम यहाँ देखते हैं कि डाइवर्सिटी है यहाँ एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट प्रोफेशन है लेकिन कुछ इलाकों में सनत तो हरफत है कुछ ऐसे इलाके हैं जिस जिन इलाक़ों से फ़ौजी भर्ती ज़्यादा होती है वहाँ का कल्चर आप जाएंगे तो जो लोकल कल्चर है उसमें फ़र्क़ होता है कि बहुत से इलाके आप रावल पिंडी से ज़रा ऊपर चले जाएँ रावलपिंडी और उससे ऊपर वहाँ से, से फ़ौज की खूब भर्ती होती है तो वो भी वहाँ के कल्चर को एक्सप्लेन करता है कि ओवर टाइम ये एक लाइफ स्टाइल हुआ है एग्रीकल्चर इलाके में एक ख़ास किस्म का लाइफ स्टाइल होता है तो इस तरह ये हालात जो हैं वो आपको इन्फ्लुंस करते हैं तो जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तमदन तहजीब की बात करते हैं तो कल्चर की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे हम तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिसपे आप गौर करें जब हम तहजीब तमदन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो अफराद की बात करते हैं लोगों की बात करते हैं कि जो तहजीब तमादन और कल्चर पैदा होता है वो लोगों के बाहमी इंटरेक्शन से पैदा होता है एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे से इंटरेक्शन पैदा होता है और हम यहाँ बात छः महीने या साल की नहीं कर रहे ये इंटरेक्शन जब ओवर ईयर्स चलता है सेंचुरीज में चलता है तो बिहेवियर पैटर्न्स डेवलप होते हैं काम करने के तरीके डेवलप होते हैं जो वक्त के साथ जो हैं वो हमें जो नजर नज़र आते हैं तो एक तो ये है कि अफराद का आपस में इंटरेक्शन दूसरा अफराद का माहौल से इंटरेक्शन यानी किसी माहौल के अंदर ही आपने ताल्लक को इसवार करना है आप ख़ुद भी एक माहौल क्रिएट करते हैं मसल यूनिवर्सिटी का माहौल जो है वो जो है स्टूडेंट्स और इस क्रिएट करते हैं आपस में उनका इंटरेक्शन डेवलप होता है जो यूनिवर्सिटी का माहौल क्या है जो स्टूडेंट करते हैं यूनिवर्सिटी का माहौल क्या है जो इस करते हैं और यूनिवर्सिटी का माहौल क्या है जब इस में और स्टूडेंट्स में इंटरेक्शन डेवलप होता है तो यूनिवर्सिटी का माहौल बनता है तो दूसरा हम देखते हैं किस माहौल में वो इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है कल्चर को सिविलाइजेशन को समझने के लिए तीसरा ये है कि जो इंटरेक्शन ह्यूमन इंटरेक्शन है वो किसी ख़ास जोग्राफ़ियाई फ्रेमवर्क में होता है आप गर्म इलाके में रहते हैं मुल्तान जहाँ जो है गर्मी ज़्यादा सर्दी कम पड़ती है आप ऐसे इलाक़े में रहते हैं पहाड़ी इलाके हैं जहाँ ठंड पड़ती है बर्फ़बारी होती है और बहुत से दुनिया में ऐसे इलाके हैं जिसमें बेशतर साल ठंड रहती है तो वो जो जोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आप रहते हैं जिसमें आप इंटरेक्शन डेवलप करते हैं वो जोग्राफिक माहौल भी आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करेगा आपके लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करेगा आपके लिबास को इन्फ्लुएंस करेगा आपकी फ़ूड हैबिट्स को वो इन्फ्लुएंस करता है ऐसा इलाका है देखिए ना आप खुद ही सोचिए अफ्रीका में ऐसे इलाके हैं जहाँ फूड शॉर्टेज है पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकस्मत मुल्क है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम खुराक की कमी नहीं है वो अलहदा बात है कि प्राइसेस आजकल इतनी ऊपर चली गई हैं कि ग़रीब आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल हैं वो अलहदा बात है कि लोग रबत की वजह से बज़ दफ़ा नहीं खाना खा सकते उसके लिए चैरिटेबल ग्रुप्स काम कर रहे होते ये हमारी ख़राबियाँ कमियाँ हैं लेकिन अगर आप अफ्रीका के बहुत से ममालिक से डील करें ना तो वहाँ आपको नज़र आएगा कि उन ममालिक में खुराक की पैदावार इतनी नहीं है कि अपने लोगों को वो फूड मुहैया करें ये चीज़ उनकी ज़िंदगी पे इन्फ्लुएंस करती है तो ये इसलिए ये फैक्टर्स को देखते हैं और फिर सिविलाइजेशन में क्या होता है जब हम जिसको हम सिविलाइजेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं वहाँ इंसानों माहौल जोग्रफ़ी के अलावा जो आप बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं वो भी आपके तहजीब और तमद्दुन तो का हिस्सा होते हैं और ओवर द ईयर्स मसला आज हम जाते हैं देखते हैं मुगलिया दौर का स्ट्रक्चर आपको मिलता है मुगलिया दौर की चीज़ें आपको जो है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के अंदर मिलती हैं तो वो उस कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा हैं जो मुगलिया दौर का हेरिटेज है इमारतें हैं बादशाही मस्जिद लाहौर में है जहांगीर का मकबरा और बहुत सी चीज़ें इसी तरह हिंदुस्तान में चले जाएँ दिल्ली में चले जाएँ वहाँ मुगलिया दौर की चीज़ें आपको बहुत सी मिल जाती हैं तो ये एक तरह की कल्चरल हेरिटेज है और कल्चरल हेरिटेज में हम आर्ट और आर्किटेक्चर को भी शामिल करते हैं यानी आज से कई सौ साल पहले या आज से जो पहले आर्टिस्ट गुजरे हैं उन्होंने आर्ट की क्रिएशंस की हैं इसी तरह फ़न तामीर आर्किटेक्चर आप मुल्तान में देखिए आपको पुराना ज़माने का जो है फ़न तामीर जो है वो मिल जाता है उसको हम हिस्टोरिकल एग्ज़ैम्पल समझ के आ, उसको आ, कोशिश करते हैं कि कायम रखा जाए अगरचे तमाम का तमाम जो पास्ट की चीज़ें हैं हम उनको प्रिजर्व नहीं कर सकें ज़ाया हो गई हैं वक्त के साथ जो हैं लेकिन ये इसमें हम आ, शामिल करते हैं जो इंसान की एफर्ट से चीज़ें पैदा होती हैं बनती हैं वो भी आपकी सिविलाइजेशन का हिस्सा होती हैं यानी जो आज आप काम कर रहे हैं आप जिस स्ट्रक्चर में बैठे हैं यूनिवर्सिटी है या हॉल है, युनिवस्टी है आप एक इमेजन करें ना 200 साल के बाद जब इंसानी ज़िंदगी बहुत तरक्की कर चुकी होगी तो बताया जाएगा कि जब ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी तो इस किस्म के स्ट्रक्चर्स थे इस किस्म की चीज़ें हुआ करती थी और आज 200 साल के बाद जो है टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है तो बहुत सी बेहतर किस्म की चीज़ें पैदा हो जाती हैं तो इस तरह जो चीज़ आज आपने की है आज से मे बी चंद सौ सालों के बाद जो है वो सिविलाइजेशन का हिस्सा एक हेरिटेज जो आपका वरसा है किसी कौम का किसी मुल्क का किसी इलाके का उसका हिस्सा जो हैं वो बन जाती है इसी तरह जो आपके ड्रेस हैं फूड हैबिट्स हैं या रिलीजन का इम्पेक्ट है देखिए एक चीज़ आप बड़े ज़रा गौर करें मुल्तान में इसकी बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी कि दुनिया में जो मुख्तलफ़ मजाहब के फॉलोअर्स हैं इस्लाम के फॉलोअर्स हैं क्रिश्चियनिटी हिंदुज़म सिख और जितने भी मज़ाहब हैं उन्होंने अपनी अपने मज़हब से अक़ीदत की वजह से जो इबादत गाहें बनाई हैं अपने अपने मजाब की वो बड़ी मेहनत से और बच, बड़े अच्छे आर्ट के नमूने हमें आपको वहाँ नज़र आते हैं आपको अगर इस्लामी दुनिया में चले जाएँ तो आपको मसाजिद मिलती हैं जो कि अपने ज़माने के आर्ट और आर्किटेक्चर का नमूना है जिस तरह मैंने कहा कि बादशाही मस्जिद लाहौर जो मुगलिया दौर का नमूना है इसी तरह मस्जिद शाही मस्जिद जो है वो दिल्ली के अंदर है वो भी मुगलिया दौर ही का एक जो है वो हिस्सा है तो इस तरह हम ये देखते हैं कि बहुत सी इसी तरह सिखों के गुरुद्वारे पुराने ज़माने के आपको मिल जाते हैं हिंदुओं के टेम्पल हैं क्रिश्चन्स के चर्च जो हैं हमारे यहाँ तो खैर इतने नहीं हैं लेकिन अगर आप मगरब में चले जाएँ तो वो आर्ट का एक बहुत बड़ा नमूना होता है इसका मतलब ये है कि इंसान को अपने मज़हब से जो अक़ीदत होती है उस अकीदत के इजहार के लिए वो इबादत गाहें बड़ी तवज्जो से बड़ी मेहनत से और बड़े एहतराम से कंस्ट्रक्ट करता है और वक्त के साथ वो भी आपकी हेरिटेज का हिस्सा जो है वो बन जाते हैं तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हेरिटेज से मुराद या आप ये कह लीजिए तहजीब व तमदन से जो हमारी जो मुराद बनती है एक एक टर्म के तौर पे जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें कोई भी चीज़ जो कि नेशनल सिग्निफिकेंस की है कौमी अहमियत की है किसी कौम के लिए वो जिसको के ताल्लुक़ माजी से है जिसको हम अपनी हेरिटेज तस्लीम करते हैं और उसके बाद आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर देते हैं आने वाली जनरेशन को हम बताते हैं कि ये आपका माजी था एक हज़ार साल पहले ये आपका माजी था दो हज़ार साल पहले तो इस तरह हेरिटेज जो है वो वो है कि जो आप अपना माजी जो है और माजी का वो हिस्सा जो आने वाली जनरेशन को आप हैंडओवर करते हैं वो आपका कल्चर और सिविलाइजेशन जो है वो बन जाता है इस तरह आप ये कह सकते हैं कि जो माजी को हम लिंक करते हैं प्रेजेंट से और माजी की लेगेसी क्या है यही है हेरिटेज सिविलाइजेशन और कल्चर पूरे मुल्क का भी हो सकता है किसी ख़ास इलाके का भी होता है और इसको हम स्टडी इसलिए करते हैं अब बुनियादी सवाल यही है जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ऑल राइट मैं आपको एग्ज़ैम्पल दूँगा आर्याओं का दौर तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि इतना पुराना दौर आज क्यों अहम है क्यों हम इसको इतने पुराने दौर को दो हज़ार सतारह में पढ़ें हमें तो आज की ज़रूरियात को देखना चाहिए देखिए ये इसलिए पढ़ा जाता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं ये जो कौमें हैं ये जो गरोह हैं ये जो मुल्क है ये किस तरह इरतका की मनाजिल को तय करके मौजूदा मुकाम पर पहुँचा है अगर आपने आज की अचीवमेंट को समझना है कि कौम ने आज क्या हासिल किया है किस तरह आज, आज आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो आपको माजी में जाना पड़ता है आपको ये देखना पड़ता है कि इंसानी इर्तका का अमल किस तरह मनाजिल से गुजरता हुआ आज तक पहुँचा है मसलन जिस तरह आप इसको तो छोड़िए लंबे अरसे की तो बात बाद में करेंगे पाकिस्तान बनता है अगस्त नाइनटीन में तो अगर आप अगस्त 1947 या 48 के पाकिस्तान को आज के पाकिस्तान से कंपेयर करें तो आपको बहुत तरक्की नज़र आएगी बेहतरी नज़र आएगी इसके बावजूद कि हम मौजूदा तरक्की से सेटिस्फाइड नहीं हम चाहते हैं। और तरक्की हो और बेहतरी हो तो एक सफ़र वो है जो हम देखते हैं कि 47 में ये सूरत हाल थी फिर बतदरीज यहाँ पर क्या बेहतरी आई लिहाजा माजी इसलिए अहम हो जाता है कि आपको अंदाज़ा हो कि ये सफ़र किस तरह तय हुआ इसमें क्या क्या मनाजिल थे क्या क्या मुश्किल थी क्या क्या मसाइल थे जिनसे गुज़र कर आप जो हैं आज के जो है सूरत हाल पर पहुँचे हैं यानी प्रेजेंट की रूट्स जो हैं हाल की जो जड़ें हैं वो आपको माजी में मिलती हैं उसी से आपको उस तरक्की और तब्दीली का एहसास होता है कि पुराने ज़माने में इस तरह थे और आज इस तरह है उसके अलावा जब नेशनल आइडेंटिटी कौमी तशख़ की हम बात करते हैं पाकिस्तान का एक कौमी तशस है जब हम कौमी तशस की बात करते हैं तो कौमी तशस का ताल्लुक जो है वो माजी से भी होता है मसलन जब हम कौमी तशस पाकिस्तान की बात करेंगे तो हम पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट का तस्करा करेंगे हम इस बात का तस्करा करेंगे कि किन किन मकाम से गुज़र कर क्या क्या स्ट्रगल की हमारे बुज़ुर्गों ने उन्नीस से पहले जिसके बाद ये मुमलकत है पाकिस्तान बनी ये आज़ाद मुल्क बना जिसका मैं और आप शहरी हैं तो ये और बहुत से सिंबल्स जो होते हैं वो कौम माजी से क्रिएट करती हैं बहुत से सिंबल्स जो हैं जिनको हम नेशनल सिंबल्स कहते हैं वो सिंबल्स हमने अपनी मजहबी तारीख से बनाए हुए होते हैं वहाँ से क्रिएट होते हैं मज़हब के हवाले से काबिल कदर हस्तियाँ होती हैं जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं जिनकी मिसाल हमारे लिए एक जो है एक नमूना होता है जिसको हम सामने रख के वो उनके उनको सामने रख के अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं इसी तरह आप देखिए आपके नेशनल हीरोज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट से आते हैं कायदे अजम मोहम्मद अली जिन्ना की आप मिसाल ले सकते हैं पाकिस्तान के फ़ाउंडर हैं पाकिस्तान के हीरो हैं लीडर हैं इनका ताल्लुक इंडिपेंडेंस मूवमेंट से एक जद्दोजहद आज़ादी को चलाया तो इस तरह माजी से आपने जो है वो आ, अपने लिए नेशनल हीरो क्रिएट किए सिंबल्स क्रिएट किए ये है कि ये सिंबल्स होते हैं जो ये लीडर्स हैं आपके मज़ाकयद मतलब अजम मोहम्मद जिना हमने कहा ये एक लीडर हैं पाकिस्तान के शनाख्त हैं पाकिस्तान की नेशनल फ्लैग किसी भी कौम की पहचान होता है किसी कौम की का सिंबल होता है लिहाजा ये सिंबल्स जो हैं आप हमेशा माजी से क्रिएट करते हैं इसलिए माजी जो है वो अहम हो जाता है उसके अलावा फिर बैन अवी सतह पर अपना इमेज पेश करने के लिए बैन अवी सतह पर यह बताने के लिए कि पाकिस्तान ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है पाकिस्तान क्यों अहम है एक सॉफ्ट इमेज जब हम पाकिस्तान का प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी हिस्ट्री आपकी तारीख आपके लोगों की जो अचीवमेंट्स हैं मस मतलब आपके यहाँ ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने कुछ ऐसी अचीवमेंट्स की जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो बैन अवी सतह पर शहरत की बुनियाद बने जो बैक्वाली सतह पर तस्लीम किए गए वो आपका एक इमेज बिल्ड करते हैं वो ये बताते हैं कि इस कौम में इस किस्म की शख्सियात हैं जो इतना अजीम काम जो है वह बैन अवी सतह पर कर सकते हैं तो इस तरह जो सॉफ्ट इमेज है वो इससे भी प्रोजेक्ट किया जाता है कि जो पाकिस्तान जो है वो किस हद तक और आ, किस तरह स्टेजेस से गुजर कर आज तक पहुँचा मसलन एक मिसाल आपको दी जा सकती है कि बैन अवी सतह पर एक सॉफ्ट इमेज के लिए बाज़ दफा और बल्कि आम तौर पर आप अपने पास्ट को प्रोजेक्ट करते हैं कि देखिए पाकिस्तान 1947 से नहीं आप पाकिस्तान बल्कि आप पीछे चले जाएं आपको इसकी हेरिटेज में जहां तक तहजीब व तमदन तो का ताल्लुक है वो 1947 से बहुत पीछे तक जाती है तो आप ये कह रहे हैं कि रवायत ट्रेडिशन सिविलाइजेशन जो है वो इतनी पुरानी है और इससे आप एक इमेज क्रिएट करते हैं बैनवामी सतह पर जिसको हाँ हम सॉफ़्ट इमेज जो है वो कहते हैं और इससे भी जो है पास्ट जो है आज के हालात में जो है वो रेलिवेंट हो जाता है